हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एन टी ए यू जी नेट पेपर वन दो हज़ार बाईस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है उसके प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेन एम सी क्यूज को जो कि आपके एसोसिएटेड होंगे किससे आई सी टी से यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से फ्रेंड्स आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर यानी कि निम्न में से किसका उपयोग माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए नहीं किया जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनमें से करेक्ट आंसर बता सकते हैं हमें दस सेकेंड के अंदर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके इनमें से ऑप्शन बी एक्वा सेकेंड्स का यूज़ नहीं किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्वा सेकेंड जबकि ऑप्शन ए पीको सेकेंड्स ऑप्शन सी नैनो सेकेंड्स और ऑप्शन डी माइक्रो सेकेंड्स इसका यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए प्रोसेसिंग स्पीड को माइक्रो कंप्यूटर की देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन ई मेल आई एम ए पी स्टैंड फॉर ईमेल में आई एम ए पी फॉर ऑप्शन डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है परम सुपर कंप्यूटर्स आर दी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स ऑफ विच जनरेशन यानी कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के प्रतिनिधि सिस्टम है? ये है ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन की क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज और आर कोऑर्डिनेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समन्वित है नंबर वन है नेटवर्किंग नंबर सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि स्मृति प्रबंधन तो फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकेंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड है कोड सी बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिज़ायरेबल यानी कि आकर्षक क्वालिटी या फिर क्वालिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर वन है रोबस्टनेस यानी कि मजबूती और नंबर सेकेंड है कन्वीनियंस यानी कि सुविधा फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकेंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी कोड बी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है यानी कि डिजायरेबल क्वालिटीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की नंबर वन मजबूती प्रदान करना और नंबर सेकंड कन्वीनियंस यानी कि सुविधा प्रोवाइड करना तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इमर्ज ड्यूरिंग डैश जनरेशन यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डैश पी के, के दौरान उभरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इमर्ज हुए किस दौरान इनमें से ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन के दौरान इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आपको बताना है कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ डैश यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का कोर डैश से बना होता है ऑप्टिकल फाइबर का कोर बना होता है ऑप्शन ए सिलिका ग्लास और प्लास्टिक से तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इज अ डैश जैक टू टू फिजिकली कनेक्ट बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क इन शॉर्ट लैंस आर जे फोर्टी फाइव एक डैश जैक है जिसका उपयोग उपकरणों द्वारा इथरनेट आधारित स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इन शॉर्ट लैंड से भौतिक रूप से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है आरजे फोर्टी फाइव जो है इनमें से ऑप्शन सी एट पिन यानी कि एट पोजीशन प्लग या फिर जैक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ विच टाइप ऑफ मेमोरी इज मेनली यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा विच डू नॉट चेंज एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज यानी कि प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है जो बदलता नहीं है और अक्सर उपयोग किया जाता है इनमें से वो है ऑप्शन है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली दुनिया भर में अरबों भौतिक उपकरणों का वर्णन करती है जो अब इंटरनेट से जुड़े हैं सभी डाटा एकत्र और साझा कर रहे हैं इनमें से वो है ऑप्शन डी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन शॉर्ट आईओ तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टेन एम सी को कवर किया आईसीटी से रिलेटेड आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि टेन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो